Hello, good morning children. The next chapter, that is chapter number 3, is fiber to fabric. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइबर होता क्या है. फाइबर, FIBRE, फाइबर. फाइबर वो धागे होते हैं जिनसे हम कपड़े बुनते हैं या जिन्हें हम एक दूसरे में पिरो कर बड़े से एक कपड़े को बनाते हैं. तो फाइबर्स, जिसे हम थ्रेड्स भी कहते हैं, अगर आप एक थ्रेड के टुकड़े को तोड़कर उसे खोलोगे तो आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे रेशे बने हुए होते हैं. वो उन रेशों से बने हुए होते हैं. तो जो ये छोटे छोटे पतले पतले रेशे होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं. सही मायने में वो रेशे ही फाइबर्स कहलाते हैं. अब इन रेशों को एक दूसरे के साथ पिरो कर धागा बनाया जाता है. फिर धागों से फैब्रिक माने या मीन्स कपड़े बनते हैं. तो हम कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के मटेरियल्स पहनते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल, पॉलिएस्टर, बहुत सारे प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं. फाइबर्स को बनाया जाता है यार्न से. यार्न का मतलब होता है धागे की गड्डी या गोला ऊन का, और जिसे पिरो कर बुन कर हम उन्हें एक कपड़े में कन्वर्ट करते हैं. फाइबर्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं. नेचुरल का मतलब होता है जो कि हमें प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक, जो कि हम खुद बनाते हैं. कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं. और नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर, रेयॉन के जो कपड़े हम पहनते हैं, वो सभी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, और ऊल और सिल्क फाइबर्स या धागे जो हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि हमें खाना प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, वैसे ही कपड़े भी हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही प्राप्त होते हैं. जिस प्रोसेस से हम यार्न से फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, फाइबर मतलब एक रेशा, रेशे से हमने एक पूरे धागे की रील बना ली या गिट्टी बना ली, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं. स्पिन करना मतलब गोल गोल घुमाना, स्पिनिंग. फैब्रिक यार्न से जो बनता है वो बनता है वीविंग या निटिंग के द्वारा. निटिंग करना मतलब सिलाई करना, वीविंग करना मतलब बुनाई करना. तो धागों को बुनकर या सिलकर हम एक कपड़े का निर्माण करते हैं या उसे बनाते हैं. तो ये था फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन. अब हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश. प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन. प्लांट फाइबर्स हमें जूट एंड कॉटन से मिलता है. एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश. एनिमल फाइबर्स क्या क्या होते हैं? एनिमल फाइबर्स सिल्क एंड वूल होते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. कॉटन और जूट हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? तो आंसर है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन या रुई हमें कॉटन प्लांट के फूल से मिलती है, जिसे हम कॉटन बोल्स कहते हैं. और इस स्पेलिंग को आप करेक्ट करेंगे, इस ए की जगह आप ओ लिखेंगे. यू विल राइट ओ इन प्लेस ऑफ ए. तो कॉटन बोल्स. जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट फाइबर हमें जूट प्लांट के स्टेम से, तने से मिलता है. तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट.
कॉटन हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, जिसे हम कॉटन बोल्स कहते हैं, और कॉटन सॉरी जूट फाइबर हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। दो आइटम्स के नाम लिखिए जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं। तो जूट बैग्स, रोप्स एंड फूट मैट्स। फूट मैट, रोप यानी रस्सी, पैर पोंछने वाला पाए जो आप घर के सामने दरवाजे के पास फूट मैट्स लगाते हैं वो, और जूट से बने हुए जो बैग्स होते हैं वो भी कोकोनट फाइबर से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। हमें फाइबर से ऊन का या धागे का गोला बनाने की प्रोसेस लिखनी है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस से हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कॉटन, मास ऑफ कॉटन का मतलब होता है बहुत सारा कॉटन। बहुत सारे कॉटन में से धागे को निकाल कर गोल गोल ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब ये धागों को अलग अलग करके एक हमें धागे की एक रील मिलती है या गिड्डी मिलती है, जिससे हम उसे यार्न बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं। स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल। स्पिनिंग हम घर पर भी कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल से डिवाइस से किया जाता है, जिसे कहते हैं हैंड स्पिंडल या तकली एंड चरखा। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड, और कमर्शियल स्केल पर जब हमें बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे क्वांटिटी में जब धागा बनाना होता है तो वो बिग, बड़े बड़े स्पिनिंग मशीन्स में बनाए जाते हैं।